समाजवादी पार्टी के नोएडा विधानसभा के प्रत्याशी सुनील चौधरी ने नोएडा के सेक्टर 12 क्षेत्र में जाकर लोगों से की बातचीत और लोगों की समस्याएं भी सुनी। सुनील चौधरी ने बताया कि नोएडा की जनता सरकार का बदलाव चाहती है और साथ ही मैं हमेशा से किसानों और गरीबों के लिए संघर्ष करता आया हूं और आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री, क्षेत्र में विकास तथा अच्छे कॉलेज हॉस्पिटल बनाने का भी कार्य किया जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सुनील चौधरी ने बताया कि साथ ही जनता का भी सहयोग मुझे मिल रहा है। 2022 में हम सभी मिलकर समाजवादी की सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, नजदीक है, क्या कहना है सर आपको? देखो, चुनाव की बेला शुरू हो गई है और हम लोग पब्लिक के बीच में आ गए हैं। जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो 5 साल विधायक रहा है उसने कभी जनता बीच में झांक के देखा नहीं। अब वो कह रहा है लोगों को कि मुझे चाय पिला दो। लोगों का कहना है कि 5 साल आप कहाँ थे, और उसका जवाब उनके पास नहीं है। मैं आज गांव में भी गया, सेक्टरों में भी गया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ बंद पड़ी है, कल बारिश हुई है, महाराज ने बता दिया कि सुंदर कितना नोएडा है। आज हमें इतना कहना है, 5 साल वो फिर आगे दोबारा मांग रहा है कि 5 साल मुझे और दे दो। किस व्याप पे 5 साल मांग रहा है? मैं वही जानना चाहता हूँ कि पंकज सिंह जी किस व्याप पे मांग रहे हैं कि मुझे 5 साल और MLA बनाओ। तो ऐसी क्या खासियत है, ऐसी उन्होंने लोगों को क्या दिया है? उन्होंने लोगों को उन्होंने अपना फोन नंबर ही लोगों को दे देते, हम वही मान लेते चलो फोन नंबर दिया। जनता जा चुकी है, जनता ने मन बना लिया है, अब की बार समाजवादी सरकार बननी है और नोएडा से भी समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी। सर, अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या काम कराएंगे बताएंगे? देखो, जीतने के बाद सबसे पहली समस्या हमारे किसानों की है। आपको याद होगा कि 4 महीने किसान हमारे धरने बैठ रहे, भूख हड़ताल पर बैठ रहे, जेल भी चले गए। उस जेल में मैं भी 10 दिन जेल में रह के आया था। किसानों की जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बायर्स की है। आपने देखा होगा नोएडा के अंदर हजारों लोगों ने फ्लैट ले लिया, अपनी अपनी मेहनत की कमाई से पैसे जमा करा दिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही। कहीं ना कहीं उसमें जो है नोएडा छोटी के और बिल्डर्स का आपस में सेटिंग है। सरकार बनती सबसे पहले उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। तीसरे नंबर पे आपने देखो पानी कितना गंदा है। मैं पर्सनली नहा के आया हूँ, इतना गंदे पानी में नहा के आया हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। चौथा, हमारे यहाँ फीस का बड़ा मुद्दा है। कोरोना टाइम में आप देख लो, बच्चों के नाम तक कट गए, स्कूलों के एडमिशन कैंसिल हो गए बच्चों के। कोरोना टाइम की फीस माफ़ कर दी जाएगी। इस बार हम लोग 300 बिजली फ्री दे रहे हैं। परसों अगले जी ने घोषणा की है कि जो पुराने बकाए बिल हैं जो कोरोना में नहीं दिए गए, उन बिलों को भी माफ़ किया जाएगा। उसके बाद हमारे कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है। अस्पताल, आप देखो किसानों को लेकर अस्पताल गया था, अस्पताल के अंदर चद्दर से लेकर कुछ नहीं है, दवाइयों के नाम पे 0 है, टेस्ट के नाम पे 0 है। इस बार नोएडा का बदलाव होगा। नोएडा विधायक वो होगा जो नोएडा बीच में रहता होगा, नोएडा की समस्या को गहराई से जानता होगा। मैं नोएडा के बीच में रहता हूँ, 40 साल से नोएडा के बीच में हूँ, इसलिए मैं सारी समस्या के बारे में जानता हूँ। अब की बार नोएडा का अपना विधायक उनका बेटा होगा। क्या जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से ये अपील करूंगा कि फिर आपके बीच में आया हूँ, बड़ी उम्मीद से आया हूँ और ये समझ के आया हूँ कि इस बार आप मुझे आशीर्वाद दोगे, बेटा समझ के और भाई समझ के आशीर्वाद दोगे, क्योंकि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, मेरे पीछे सिर्फ आपका नाम है और आपके भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। आप एक बार मुझे 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को साइकिल के बटन दबा के मुझे कलम की ताकत देना, जिससे वो कलम की ताकत लेके मैं आपके बीच में बैठूंगा और बताऊंगा, बता माँ।